अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहले ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम में। स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम टू अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। वेरीफाई करते हैं इनके सर्विसेज, बट वी कैन आइडेंटिफाई कॉमन क्लासेस। यानी सबसे पहले ये हार्डवेयर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये इसकी सर्विसेज होती हैं कि इन आउटपुट ऑपरेशन, फाइल सिस्टम, कम्युनिकेशन, रिसोर्स एलोकेशन करता है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, काउंटिंग करता है, एरर की डिटेक्ट करता है। फिर उसके बाद यूजर इंटरफेस में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेसेस है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ सर्विसेज हैं जो हमने डायग्राम की सूरत में देखी हैं। अब इसी तरह हम आगे देखते हैं कि सबसे पहले ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें हम कमांड्स वगैरह लिखते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सीक्वेंस से हमारी फाइल्स एग्जीक्यूट होती हैं, यानी हम ट्रे में रख लेते हैं और उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें इमेजेस वगैरह होती हैं, जिसके जरिए से हम माउस या ट्रैक पैड को क्लिक करके उस इमेज वगैरह की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। प्रोग्राम डिवेलपमेंट होता है कि इसमें हम प्रोग्राम कोई सर्विसेज करते हैं प्रोग्रामर को, क्योंकि डिवेलप कंप्यूटर प्रोग्राम करें। हम इसमें एडिटर और डिबगर प्रोग्राम्स होते हैं। डिबगर का मतलब होता है कि एरर को फाइंड करना और उसको रिमूव करना। फिर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं कि सबसे पहले उसको मेमोरी में लेके आते हैं और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर उसके बाद इन आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इट रिक्वायर इन आउटपुट सर्विसिंग पे इन्वॉल्व अ फायर ऐप फॉर एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शन। यूजर यूली कैन कंट्रोल इन आउटपुट ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म किए जाते हैं। फिर उसके बाद है इसमें फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन करते हैं कि रीड कर सकें फाइल को, राइट कर सकें, सर्च कर सकें। इसी तरह कम्युनिकेट करते हैं इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन अमांग देम कम्युनिकेटिंग प्रोसेस में बी ऑन द सेम कंप्यूटर ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर डेटा कनेक्टिंग थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। फिर एरर की डिटेक्शन कर सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अक्सर हम कभी कभार कोई एरर आ जाता है सीपीयू मेमोरी डिवाइसेस में। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक अप्रोप्रिएट एक्शन टू इंश्योर करेक्ट एंड कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन, मतलब के कौन सी प्रोसेस को कहाँ मेमोरी देनी है, ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज में है। फिर काउंटिंग करते हैं कि कीप ट्रैक ऑफ यूजर यूज हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी देते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की चीजों में आ जाता है ये सारा कुछ। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहले है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें क्या करता है कि अलाउ अ सिंगल यूजर टू यूज एज अ कंप्यूटर एट अ टाइम। जिस तरह डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर्स हो गया, इसमें इसकी एग्जांपल है एमएस डॉस। इसमें सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि आप सेम टाइम पे एक से ज्यादा काम कर रहे हैं, यानी आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं और साथ कोई टाइपिंग भी कर रहे हैं। ये आपका हार्डवेयर है, ये सेंटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर यूजर प्रोग्राम है और ये यूजर है, इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वही होता है कि हमने पहले भी पढ़ा कि हम एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सारी जॉब्स को पंच कर लेते हैं और फिर वन बाय वन सीक्वेंस से उसको एग्जीक्यूट करते रहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ये क्या है कि सारा कुछ हम जॉब्स में ले आते हैं, इसमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाती है और शेड्यूलिंग कर देते हैं कि वो वन बाय वन जॉब एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी सारी जॉब्स को हम एक ही दफा ले आते हैं। ये देखें ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही दफा हम जॉब्स को मेमोरी में फिट कर लेते हैं और फिर उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मल्टीपल जॉब्स जो होती हैं वो मेन मेमोरी में आ जाती हैं और इनको हम पैरेलल फैशन से एग्जीक्यूट करते रहते हैं। इसमें सीपीयू की यूटिलाइजेशन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है मल्टी प्रोग्राम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। टाइम शेयरिंग में क्या होता है कि मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग एंड इंटरेक्टिव सिस्टम है। इसमें अलाउ मल्टीपल यूजर्स टू शेयर कंप्यूटर, हम इसमें सेम टाइम पे कर सकते हैं। इसमें टाइम स्लाइस या क्वांटम कर देते हैं। टाइम स्लाइस का मतलब होता है हमने कुछ टाइम रखा होता है कि जिसमें प्रोसेस वो चल रहा भी हो तो हम उसको मेमोरी में वेट करवाने के लिए भेज देते हैं और दूसरे प्रोसेस को ले आते हैं। इससे ये होता है कि तमाम प्रोसेस मेमोरी में एक दफा इंटर हो जाते हैं और इतना वेट नहीं करना पड़ता। उसी बात रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें लिमिट को लाजमी ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह के मिसाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस तरह मैनी एम्बेडेड इन स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस, माइक्रोवेव ओवन्स, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरास। इसी तरह इसमें हार्ड रियल टाइम होते हैं कि जो कि मस्ट भी डेडलाइन को फॉलो करने चाहिए, जिस तरह मिलिट्री वीपन्स कंट्रोल सिस्टम्स लाइक मिसाइल सिस्टम्स, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम्स लाइक एरोप्लेन ऑपरेशंस। इसी तरह इसमें सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनकी कोई भी रिस्ट्रिक्टिव नहीं होता। ये हार्ड रियल टाइम डज नॉट गारंटी टास्क और जॉब विल बी कंप्लीटेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। इसको हम रीशेड्यूल